मर्जी बोलो, गाड़ी इतनी मस्त है ना टेस्ला यार, चलाने में भी मजा आ गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि टेस्ला ही ले लूँ। Are you ready guys? Lexus काफी अच्छी है गाड़ी की, बढ़िया है और नेविगेशन भी बहुत बढ़िया है। तो मैंने एक चीज पढ़ी है यहाँ पे, अगर आप अपनी मैक्सिमम स्पीड से ऊपर गाड़ी चलाते हो हाईवे पे, आज हम पानी वगैरह कुछ लेने के सोच रहे हैं, लो सो हम पहले जैसे घर की ग्रोसरी खाने चले एक्चुअल अपार्टमेंट, और ये हमारा कुछ खाने का सामान। गाइस वेलकम बैक टू आवर व्लॉग एंड वी आर इन कैनेडा एट दिस मोमेंट। हम लोग टोरंटो में हैं। आप लोगों ने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग गए थे नियाग्रा फॉल कैनेडा करने के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। आप लोग डैम श्योर आप लोगों को भी वो करने का मन करेगा, आप लोग वो करने के लिए ज़रूर जाओगे। एंड अभी हम लोग ना टेस्ला गाड़ी का चार्जिंग पॉइंट पे हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग चार्ज कर रहे हैं गाड़ी को, और चार्ज करने के बाद हमें गाड़ी जो है जहाँ से हमने रेंट पे ली थी फॉर टू डेज के लिए, वो हम वापस करने वाले हैं एयरपोर्ट के हर्ट्स रेंटल कार सिस्टम को जो भी है। और फिलहाल जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है इट विल टेक 30 मिनट, तो हम क्या करने वाले सौरभ? देख रहे हैं कुछ खाने पीने का कुछ अभी तो खा के आया यार। ऐसे ही देखने पे क्या चाह रहा है? तो थोड़ा कनाडा की सड़कें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है गाइस। यूके में भी वैसा ही लगता है, यूएसए में वैसा लगता है, कनाडा में वैसा लगता है, इवन इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कहीं भी चले जाओगे सब जगह एक जैसा ही लगता है। कुछ नहीं है वैसे, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग बस थोड़े से तौर तरीके होते हैं, थोड़े ब्रांड के नाम होते हैं, बाकी सब कुछ सेम। कल्चरल डिफरेंसेस थोड़े बहुत होते होंगे। और आई कैन सी कनाडा का बड़ा सा झंडा यहाँ पे, ये देखिए, ये देखो। तो अच्छी फीलिंग आती है यार, तुमको मौके मिलते हैं अगर अलग अलग कंट्रीज जाके उनके कल्चर एक्सप्लोर करने के, तो वाई नॉट। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे हमने आपको अपनी वेगस की व्लॉग्स दिखाए, अभी हम आपको कनाडा के व्लॉग्स दिखा रहे हैं, जैसे हाउस टूर, बाहर का माहौल कैसा है, कार रेंटिंग, और भी आगे आने वाले व्लॉग्स, न्यूयॉर्क की लाइफ आने वाली है। तो होपफुली यू विल योर लाइकिंग द व्लॉग्स। और अगर आप हमें फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे तो वो फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टेटस डाल रहे हैं जिसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है, रील्स डालते हैं, पिक्चर्स डालते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर करने का मौका मिले। तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अभी फिलहाल आप उधर जा रहे हैं, बेसिकली ये ना एक सर्विसेज की तरह बना हुआ है गाइस, जिसमें चार्जिंग पॉइंट है, खाने पीने का है, अगर आपको वॉशरूम ब्रेक्स चाहिए, तो सेम एज यूके सेम एज यूएसए। तो भाई हम पहुंच चुके हैं टेस्ला के जो स्पेसिफाइड चार्जिंग पॉइंट्स है, वहाँ पे क्या रहता है तुमको जल्दी ऑप्शन मिलती है गाड़ी, जहाँ पे टेस्ला के स्पेसिफाइड चार्जिंग पॉइंट है, गाड़ी हमें बताती है कि कहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो गूगल मैप लगाओ ले जाती है। अभी हम लोग इसको चार्ज करने वाले हैं, ताकि जब हम गाड़ी रिटर्न करें जितनी हमें चार्जिंग मिली थी उतना ही हमें रिटर्न करके देना है। तो सौरभ इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है। कि हमने जैसे चार्जिंग पॉइंट लगाया ये सुपर चार्जिंग स्टार्ट हो गई, और ये पैसे बता रही है कि कितने आपके चार्ज हो रहे हैं अभी, देखिए। और यहाँ पे चार्जिंग बता रहा है कि होता जा रहा है, कितनी आपको चाहिए। तो बहुत ही सिस्टमाइज तरीका है। कोई नया बंदा होगा ना जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती मेरे जैसा, वो तो झट से सीख जाएगा बैक फ्रंट कैसे करना है। मर्जी बोलो, गाड़ी इतनी मस्त है ना टेस्ला यार, चलाने में भी मजा आ गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि टेस्ला ही ले लूँ अभी तो। अभी नहीं, जो खरीदने की सोच रहे हो? जो भी नेक्स्ट लूंगा वो इलेक्ट्रिक कार, ऐसी टेस्ला जैसी तो कंफर्टेबल होनी चाहिए यार। ठीक, मतलब काफी पार्किंग कितनी इजी करने के लिए होती है, चलाने के लिए कितनी इजी है, इसका नेविगेशन पैनल इतना बढ़िया है ना। हाँ, हाँ। सच्ची कह रहा हूँ, लाइफ इजी हो जाती है। तो हाँ, 95 हो गया, ये तो उतर ही नहीं रही हो गई। तो ये हमारी गाड़ी हो गई है चार्ज, इसको लगा दो यहाँ पे। मैंने कहा मैं भी सीख लूँ कुछ, कनाडा आई हूँ तो। अभी हम निकल रहे हैं गाइस इसको ड्रॉप ऑफ करने के लिए, एंड वहीं से हम लोग जाएंगे सिटी सेंटर टोरंटो को एक्सप्लोर करने, और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। आर यू रेडी गाइस? यस। चलो भाई, लेग स्पेस काफी अच्छी है गाड़ी की, बढ़िया है, और नेविगेशन भी बहुत बढ़िया है इसका। सबसे ज्यादा मुझे नेविगेशन अच्छा लगा, पूरा बताता है आगे पीछे क्या चल रहा है। ठीक है, चले। अभी तक हम गाड़ी को ही देख रहे हैं, ये तो यहाँ पे काफी बड़ी स्पेस दी हुई है इन्होंने, यहाँ पे भी स्पेस है काफी। और ये मुझे सबसे अच्छा लगा नेविगेशन इस कार का, कि बड़े क्लियरली सब कुछ पता चल जाता है यार, अब ना अलग से गूगल मैप नहीं लगाना पड़ता। अभी हम निकल चुके हैं अपने होटल की ओर, लेकिन रास्ते में हम लोग गाड़ी वापस करने वाले हैं, जो गाड़ी का पर्पज था वो हो गया फुलफिल। तो मैंने एक चीज पढ़ी है यहाँ पे, अगर आप अपनी मैक्सिमम स्पीड से ऊपर गाड़ी चलाते हो हाईवे पे और कैमरून पकड़ा गया तो $10,000 का फाइन है। छोटा मोटा फाइन नहीं है, $10,000। यहाँ पे यही इसीलिए ना सब रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि फाइन बहुत बड़े बड़े होते हैं। और सेम यूके वाला ही रूल है गाइस, ऐसे मतलब
रोड है ना जो फोर्थ नंबर पे आप देख रहे हो, दिस इज फॉर द इमरजेंसी सर्विसेज, लाइक अगर किसी गाड़ी खराब हो गई है जो तो वो लगा सकते हैं। तीन लेन्स, 1, 2, 3। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है यूके के हिसाब से। यूके में अगर आपको इधर गाड़ी चलानी है तो अगर आप तेज गाड़ी चला रहे हो तो इधर चलाओगे, यहाँ पे इधर उल्टा है। यहाँ पे सबसे तेज, थोड़ा कम तेज और जो सबसे स्लो चलाएगा वो इधर वाली लेन में। तो यूके में थोड़ा उल्टा होता है। हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी रिटर्न के सेंटर पे, और गाइस मैंने एक चीज नोट की है, यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस यूज की जाती है। अगर आप देखोगे भी तो इन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में लिखा भी होता है। एयरपोर्ट के अंदर ही डाउनटाउन जाने के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन है। ट्रेन एक्चुअली विल वॉक इन टर्मिनल 1। तो अभी हम टिकट ले लेते हैं यहाँ। ये ट्रेन का नाम है यूनियन पर्सन एक्सप्रेस। इफ इन केस आप टोरंटो आ रहे हो और आपको डाउनटाउन जाना है तो आपको ये ट्रेन डायरेक्ट मिल जाएगी। एंड ये सिर्फ 12 बजे से पहले पहले वर्क करती है और सुबह 5 बजे से स्टार्ट। तो दो टिकट ले ली है हमने सिटी सेंटर की, और गाइस ये ना पड़ी है हमें 24.70 CAD की, जो कि हमें डायरेक्ट डाउनटाउन लेके जाएगी। और अगर आप टैक्सी कराते हो तो वो आपको पड़ जाती है 46 की, मतलब डबल पड़ जाए। एयरपोर्ट एक्सप्रेस सही है। और ये क्या लगाया बीच में? ये हम देशों की लड़ाई ना हो। सॉरी, प्यार की बात। रीच टू मेन स्टेशन ऑफ डाउनटाउन टोरंटो। अभी हम बाहर जाके कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं। भाई खाना पहले, बाकी सब बाद में। अभी यहाँ जाके कुछ खाने को देखते हैं, देखते हैं कि स्पेशली कुछ इंडियन मिल जाए। जैसे अभी हमने खाए थे कुलचे छोले टाइप, तो अगर वो मिल गया तो सबसे बेस्ट है, बल्ले बल्ले है। और निकलते ही सबसे पहले मुझे USA और ये अपने कनाडा के झंडे दिख रहे हैं, तो ले लीजिए मज़े। यार डिफरेंट है, लंदन से तो बहुत डिफरेंट है। यहाँ का डाउनटाउन इज डिफरेंट। व्हाट डू यू से? लाइवली, मज़ेदार। स्टेशन है, इन्होंने काफी अच्छा बनाया है। वो अंदर शॉपिंग के लिए भी है, सफोरा है यहाँ पे, डी कैंथलोन का स्टोर है, नेस्प्रेसो है। क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा, जब तक किसी को पूछोगे नहीं। बट यहाँ पे लोग काफी फ्रेंडली है, दे आंसर यू। हाँ, जिससे मर्जी बात करो, सब हेल्प करते हैं। लेकिन यूके में इतना फ्रेंडली नहीं है लोग, वहाँ पे नहीं कोई हेल्प करता इतनी। इधर पता नहीं कॉफी स्टोर पे कुछ तो है चल रहा है, बहुत भीड़ है। चले फ्री सैंपल पीने एक कॉफी में, घर में ना पॉड में बता लूंगा। हाँ सच, हमारे पास फोन भी तो है। बड़े ही सही है, हर कोई बंदा ना प्यार से बात करके बता देता है। यहाँ पे ट्रैम्स भी काफी चल रही है, अगर आपको इन ट्रांजिट कुछ भी करना है, हम लोग ट्रैम में भी ट्राई कर सकते हैं। उधर वाली लाइन पे कुछ है, वी गॉट 1 मार्केट ग्रोसरी स्टोर, यहाँ से हम पानी वगैरह कुछ लेने के सोच रहे हैं। लो 100 रुपए से जैसे घर की ग्रोसरी उठाने चले जाते हैं। अरे नहीं, फ्रूट्स नहीं खाने मेरे को, आई नीड सम फूड। तो ये है अपना टोरंटो का मार्केट प्लेस। फाइंडिंग आउट सम वेजिटेरियन ऑप्शंस। कुछ मिला वेजिटेरियन? वेजिटेरियन मिला कुछ? नहीं अभी तक कुछ नहीं। यहाँ पे यार बढ़िया अच्छे अच्छे सैलड्स की ऑप्शन है, बट वेजिटेरियन होने चाहिए। ये देखना, ये क्या है? ये भी अच्छा लग रहा है यार, सारा हेल्दी स्टफ है, क्या बोलते हो? ये भी अच्छा है, ऑल हेल्दी। ये है बस का आनंद। सौरभ तो थक चुका है पूरा, हम हमारी हो गई बस गाइस। अभी हम घर जाके बताते हैं क्या करना है। गाड़ी कभी नहीं लिया है, बस का भी, ट्रेन ले ली, तो लोकल ट्रांसपोर्ट भी हम कनाडा का ट्राई कर रहे हैं, हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे टिकट वैलिडेट करनी है, और अभी हम पहुँच गए हैं अपने स्टेशन पे, थोड़ा सामान लेके। हो आपके बजने वाले 8, और हमारा जो एरिया है ना जहाँ पे अभी रुके हुए हैं, वो बड़ा ही लाइव सा एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं खाने के लिए, मार्केट है, शॉपिंग सेंटर्स हैं। तो आज तो हम बहुत थक गए हैं, लेकिन कल हम डेफिनेटली इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। और ये तो मस्त एरिया लग रहा है, सड़क पे बैठ के खाने का मजा ही बढ़ाएगा। जाएंगे कल चलते हैं, क्योंकि अभी मेरी हालत हो चुकी है खराब, शक्ल देख रहे हैं मेरी।
आप पता है फोटो नहीं आएगी, वीडियो नहीं आएगी, अच्छी नहीं आएगी, तो फिर इतनी बनी हुई हूँ आज के लिए, मेरा बस हो गया यार। कुछ करने की बेबी, तुम तो सुपर वुमन हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। अभी तुम्हें बोलो तुम भाग सकती हो 10 किलोमीटर। मेरा तो यार मन था मैं अभी जाके ना यहाँ पर डिनर करूँ, पर इच्छा मान ही नहीं रही है, बोली मुझे घर जाना है बस। यार मेरी हालत खराब हो चुकी है सौरभ, अभी लगता है कोई गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी डिनर करने के लिए। ये देखो इतनी लड़कियाँ जा रही है, बनाओ कोई, तो किसी को बोल डिनर मेरी तरफ से आ जाओ। आ जाओ फिर तो एक क्या, फिर तो 10-15 आ जाएंगी, तुम पे करने वाले बनो। वैसे तुम्हें कनाडा में गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए, अगली बार जब आओगे तो रेडी रहनी चाहिए। हाँ सिटी में एक तो होनी चाहिए, हर कंट्री में सिटी में सिटी फॉर डबल। बैक टू अपार्टमेंट, और ये हमारा कुछ खाने का सामान जो अभी हम सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं चाय के साथ। वन इज ब्रेड, ये मैंने लिया है थोड़ा सा हमस खाने के लिए, और ये हमने सुबह लिए थे, ये लिए थे ना सौरभ हमने ब्रेड पकौड़ा, एंड अदर आई टेकन थोड़ा सा चने, चना मसाला। तो अभी हम देखते हैं कुछ खा लेते हैं, जैसे खा लेते हैं नहीं तो फिर कुछ ऑर्डर कर लेंगे घर में। अभी अभी हिम्मत नहीं है, उबर है अपने पास, उबर करें, उबर डिलीवरी कर लेंगे सॉरी। और वैसे अपने आसपास तो काफी कुछ है खाने का, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही यार। मेरे इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि आज हमारी हालत हो गई है बहुत खस्ता, घूम घूम के आज हमने गाइस किसने बोला था इतना घूमने के लिए, एक ही दिन में इतना कौन आइटनरी क्यों ऐसे बनाते हो? और ये आइटनरी कोई प्लान नहीं थी, ये बस रैंडम थी। गोइंग टू द एयरपोर्ट फॉर द गाड़ी ड्रॉप, फिर वहां से ट्रेन का एक्सपीरियंस करना, फिर हमने पास लिया तो हमने सोचा बस का भी एक्सपीरियंस कर ले, फिर थोड़ा डाउनटाउन भी घूम लिया, तो इतने सारे कदम हो गए हैं आज मेरे, कदम हुए हैं आज मेरे कदम 16,000 हो गए हैं वापिस से। नॉर्मली मेरे 20 हो जाते हैं या 22 हो जाते हैं, तो आज थोड़ा इसलिए कम हुआ है क्योंकि सुबह गाड़ी थी राइट। तो अभी इस वीडियो को करते हैं एंड।